सीधा सीधा साढ़े पंजाब के हकूक के उत्ते वड्डा डाका मारा बीजेपी ने और इथों इन्हां दा पता लगता कि चोणां दे दौरान जो हुण समां उन्होंने देखा कि सरकार किसी की हले पंजाब दे विच बन नहीं रही सरकार पंजाब की इस दौरान नाले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग्या होया इहदे दरमियान एडा वड्डा फैसला किया कि जिहड़ी पंजाब की नुमाइंदगी सी खत्म कर दित्ती पंजाब दे नुमाइंदगी ही खत्म करती भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड तो बीबीएमपी जिहड़ा डैम है साडा भाखड़ा डैम हुण साडा उहदे च कोई कंट्रोल नहीं रहेगा यह 75 साल के जिहड़ी आजाद इतिहास में पहला वड्डा डाका जिहड़ा बीजेपी ने मारिया और इट ऑलसो शोज कि बीजेपी नूं पंजाब ते पंजाब दे लोकां ते भरोसा ही नहीं गा वो चाहते कि इन्हां नूं बाहर कढ दिओ ते असीं पानी जिहड़ा भाखड़ा डैम का कल नूं पानी ते बिजली वट एवर रिसोर्स असीं जिथे चाहवांगे असी पंजाब दे इन्हां रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यह तुहानूं पता वा कि पंजाब नूं अगे ही पानियां नूं लैके बहुत वड्डी अग लग चुकी है और पंजाब बहुत वड्डे क्राइसिस चों निकल चुका पंजाब दे एक भी बच्चे ने पंजाब दा कोई भी हकूक चाहे वह पानी है तो चाहे वह बिजली है कदी भी फोरफीट नहीं करना ना असीं किसे नूं लैण देना वा इसलिए बीजेपी ने जिहड़ा एक काम कीता वा यह एक मैं समझदा कि घट गिणतियां ते भी हमला वा तुसीं इह इदां दे कदम उन्हां दे जम्मू कश्मीर दे उत्ते पूरी स्टेट तोड़ के रख दित्ती अज हिजाब दा मसला चल रहा कौन किसने की पहनना किसने की खाना घट्टो घट इन्ना अधिकार तो सरकारां छड्ड देण मैं अपने घर विच की खाना पीना वा या की पहनना साडे परिवार ने हुण साडे कोल इह वी अधिकार नहीं गा इस तरह दियां ड्रेकोनियन जिहड़ियां फैसले ने जिहड़े एंटी माइनोरिटी फैसले बहुत ज्यादा गलत है और मैं पहला भी कहा हुण भी कह सकदा कि अगर भारत नूं कल नूं कोई नुकसान उहदी यूनिटी ते इंटैग्रिटी नूं हुंदी ते बीजेपी डायरेक्टली रिस्पोंसिबल हो क्योंकि वह लोगों नूं एलिनेट कर रही है लोगों नूं सिर्फ अपने चोण मनोरथ वास्ते धर्म के नाम के उत्ते लोगों नूं वंड आप सरकार आप वंड रही है पहली बार देखा कि देश की सरकार आप ही लोगों नूं वंड रही है सरकार लोगों नूं यूनाइट कर दी बिकॉज इंडिया की स्ट्रेंथ इहदी डायवर्सिटी ते इहदी यूनिटी दे विच इत्थे वख वख धर्म ने वख जुबाना ने वख पहरावा वा वख सभ्याचार आ हर 100-150 मील ते तां सारे बदल जांदा वा सारे देश नूं ताइयों इकट्ठा रख सकदे तुसीं जे सब दा सत्कार करो सारयां दा धर्मां दा आदर करो सब नूं घट्टो घट बेसिक आजादी होवे कि तुसीं जो भी अपना धर्म दा प्रचार करना या अपना खाना पहनना करना कराउणा उह सारा लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड ए रेट्रोग्रेड स्टेप्स ले रही बीजेपी की सरकार जेडे कि हाईली कंडेमनेबल है और साडी यह मंग आ कि यह प्राइम मिनिस्टर नूं ते बीजेपी की सरकार नूं यह जिहड़ा बीबीएमपी का फैसला है तुरंत रोल बैक करना चाहिए और पंजाब नूं बनदा उन्हां दा स्टेटस जिहड़ा वह बहाल होना चाहिए तुसीं देख रहे हो यूटी च भी इन्होंने डाका मारता चंडीगढ़ दे विच जिहड़ा 60-40 रेशो ते तय होया सी जदों चंडीगढ़ नूं यूनियन टेरेटरी बनाया गया कि 60% सारी अफसरशाही है वह पंजाब की होगी तो 40% हरियाणे की होगी हालांकि हरियाणे का कोई आधार नहीं ना उन्होंने कैपिटल मंगया सी ना उन्होंने बनिया सीगा लेकिन हुण 60 का भी तोड़ के मजोरिटी अफसर खास तौर पर सिक्ख्या के जिहड़े एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर ने सारे हरियाणे के केडर से लाई जाते हैं यह मतलब यह आ कि कल बीजेपी जिहड़ी आ वह सीधे तौर पर चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन नूं भी अपने हत्थां विच लै रही है विच इज अगेन ए वेरी वेरी बैड स्टैप वेरी वट शुड आई से के एक पिछे नूं खिंचण वाले कदम ने और पंजाब दे लोग जिहड़े ने कदी इस तरह की गल नूं स्वीकार नहीं करनगे ठीक है चुप बैठे ने लेकिन समा आउण दे उत्ते पूरा ठोकवां जवाब देणगे हरजीत गरेवाल वल्लों बयान दित्ता गया सिर्फ इत्थे सियासत हो रही विरोधी पार्टियां वल्लों बट अजिहा कुछ नहीं देखो हरजीत गरेवाल हुणी एक उहनां दे आदमी ने जिद्दां ना आपां किसे वारी जिद्दां कुछ मुसलमाना चो उन्होंने पेड बंदे रखे हुए बीजेपी ने जिहड़े उन्हां दी जुबान बोलदे ने जदकि उन्हां दी पूरी कौम जिहड़ी आ उह निशाने ते आ उस मुस्लिम्स नूं एलिनेट किया जा रहा उन्होंने टारगेट बनाया जा रहा चर्चिज साड़े जा रहे ने ईसाइयां दे जिहड़े गिरजाघर ने उन्हां दे बंदियां पादरियां नूं पास्टर्स नूं मारिया पिछले दिनां च लेकिन उन्हां विचों भी कुछ स्टाउट मिल जाएंगे जिहड़े लोग उन्हां दी बीजेपी की जुबान बोलणगे एन उस तरीके नाल हरजीत गरेवाल की मैं लगातार कई बार रिएक्शन सुनना दे आर एबसोल्यूटली कॉन्ट्रेरी टू दी सेंटीमेंट्स ऑफ द सिक्स एंड पंजाब पंजाब के लोग 99% एक पासे खड़े हुंदे ने ते आ हरजीत गरेवाल वर्गे 1% लोग जिहड़े सिर्फ सरकार का कोई माड़ा मोटा फायदा लेना चाहते ने कोई माड़ी मोटी कुर्सी मानना चाहते दैट इज ऑल अदरवाइज देयर इज नो लॉजिक इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ हरजीत गरेवाल पंजाब दे राजनीतिक लोगों को तुसीं की अपील करना चाहते जिहड़ी इत्थे सियासत हो रही है पंजाब दे मसलियां नूं नहीं सियासत नहीं हो रही साडे अपने मसले ने असीं बीबीएमपी दा कंट्रोल कदी भी नहीं जाण देंगे असीं सतलुज यमुना लिंक का पानी कदी भी नहीं जाण देंगे पंजाब दे लोग मर तां मिट सकदे ने और असीं कदी इह हकूक नहीं छड्डांगे जिहड़े साडियां दूसरियां मंगां भी ने चाहे अकाली दल छड्ड गया हो
अज जिहड़ा अकाली दल जिहड़ा बेसिक रिस्पोंसिबिलिटी सी चंडीगढ़ पंजाब नूं मिलना चाहिए था, पंजाब दे पानी दरियाई पानियां ते पंजाब दा हक है, पंजाब दे पंजाबी बोलदे जिहड़े इलाके ने हरियाणा च रह गए उहदे ते साडा अधिकार है। और जो भी होर अन्याय पंजाब दे नाल होया, जो काणी वंड हुई है, जो साडे टैक्स वगैरह नूं जिहड़े कलैक्शन आ उहनूं जाण के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिले करदी रोकदी है, ये सारा दर्शाते ने कि बीजेपी का जो रवैया बेसिकली वो एंटी माइनोरिटीज है नंबर वन। दूसरा कि वह फैडरल ढांचे आप ही कमजोर करने लगे हुए ने, वह केंद्रीकरण कर रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स कर रहे हैं, विच इज वेरी डेंजरस फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।